आपण पाहतात इंडियन टीव्ही न्यूज. इंडियन टीव्ही न्यूजच्या बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे. चला तर नजर टाकूयाच्या काही विशेष घडामोडींवर. पत्रीपूल ते दुर्गाडी किल्ला बायपास रस्त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाले आहे. जबाबदार अधिकारी व कंत्राटदार यांनी संगनमताने भ्रष्टाचार केला आहे असे ठामपणे काँग्रेस अल्पसंख्याक विभाग अध्यक्ष सलीम शेख यांनी सांगितले. दुर्गाडी किल्ल्याच्या पायथ्याशी असलेल्या ते पत्रीपूलपर्यंत जोडणारा रस्ता कोंडगाव तसेच कल्याणमधील इतर भागांसाठी बायपास म्हणून ओळखला जातो. या रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे अपघात होत असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. त्यामुळे 4 ऑक्टोबर रोजी महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना व कंत्राटदाराला घेऊन अल्पसंख्याक विभाग अध्यक्ष सलीम शेख व अल्पसंख्याक विभाग उपाध्यक्ष आशिष शिफा मशर यांनी स्वतः प्रत्यक्ष दौरा करून आढावा घेतला असता रस्त्याच्या दर्जाबाबत तसेच रस्त्यांवरचे बंद लाईट, प्रभागात होणाऱ्या चोऱ्या, अवैध दारू, गांजा विक्री धंदे आदीबाबत उघडीस आले आहे. यासाठी जबाबदार कोण असा प्रश्न यावेळी सलीम शेख आणि शिफा मशर यांनी प्रशासनाला विचारला आहे. चालू असलेले काम योग्य प्रकारे न झाल्यास 2 दिवसानंतर आम्ही महापालिके विरोधात आंदोलन करू असेही काँग्रेसचे अल्पसंख्याक विभाग अध्यक्ष सलीम शेख यांनी सांगितले आहे. द ब्युरो रिपोर्ट, इंडियन टीव्ही न्यूज. ये रोड 2 साल पहले ये रोड का ओपनिंग हुआ था, उन्होंने किया था और अभी 2 साल के अंदर रोड का हाल ऐसा हुआ है कि आप देख सकते हो खाली इधर पब्लिक ट्रैफिक इतनी होती है, बारिश के अंदर इतनी तकलीफ होती है. एक एडेंसी ने एक लेटर लिखा था MSRTC को कि हमको रास्ता हैंड ओवर कब नहीं हुआ है अभी तक करके, बराबर है. ये ऊपर इनकी डेट है 5/22 की. तो अभी तक MSRTC ने ये रास्ता एडेंसी को हैंड ओवर किया नहीं है और इस वजह से इसका मेंटेनेंस हो नहीं रहा है. अब ये लाइट जो है इसका 1,59,540 रुपया बिल लाइट का बाकी है, इसलिए इधर अंधेरा, पूरा अंधेरा रहता रहा है रोड के ऊपर. हमने एडेंसी को पत्र व्यवहार किया, लेटर लिखा था, एडमी रोटी हमको अभी तक हैंड ओवर नहीं हुआ है और MSRTC इसका कोई जवाब देती नहीं है. तो हम लोग इसके ऊपर आज हमारा धरना आंदोलन था लेकिन हम लोग ने 2 दिन आगे भी ढकला हुआ है. तो हम लोग 2 दिन बाद मतलब 6 तारीख को अभी ये रास्ता अगर नहीं MSRTC एडेंसी को हैंड ओवर करती है तो हम लोग इसके ऊपर धरना आंदोलन करने वाले कांग्रेस माइनॉरिटी की तरफ से. और ये रास्ता जो है आप इसके ऊपर बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं, सीनियर सिटीजन जाते हैं, महिलाएँ जाती है, स्कूटर बाइक से जाती है और ये रास्ता अभी हो रहा नहीं. ये खाली रोड नीचे गया और ऊपर लाने के डांबर इन लोग ऊपर डाल के चले गए. तो इसकी वजह से जो रोड है, डेफिनेटली जो रोड है, रोड के ऊपर 8-10 इंच डांबर चढ़ा हुआ है और आज इन लोगों ने DCP ला के इसको लेवल करने लिया है. लेकिन मेरी इन लोग से मांग है कि पूरा स्क्रैप करके ये जो रास्ता है ये गाड़ी के लिए इसके लिए अच्छे से, क्योंकि इसमें सब हेवी व्हीकल जाते हैं. आप देखते हो थोड़े से टाइम में इंजन खराब हुए क्योंकि इधर आगे काम चालू है करके. तो MSRTC को बोलना चाहता हूँ ये रास्ता जल्दी से जल्दी चालू करे और रास्ता चालू करके बना के पूरा कंप्लीट करके KDMC को हैंड ओवर करे. ये मेरे MSRTC से मांग है और हम लोग 2 दिन देखने वाले हैं. ये काम अगर नहीं हुआ तो 6 तारीख को हमारा धरना आंदोलन, ये रास्ता रोको आंदोलन हम लोग करने वाले हैं माइनॉरिटी की तरफ. या होते इंडियन टीव्ही न्यूज. तुम्हाला आमच्याशी संपर्क साधायचा असल्यास स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकाशी संपर्क साधू शकतात. 9320420420. तर आता वेळ झाली निरोप घेण्याची. उद्या पुन्हा भेटू याच ठिकाणी. तोपर्यंत धन्यवाद.